Hello students, in the last lecture we have studied about the ERP packages. We have seen the different ERP packages in the last lecture. In this lecture we are going to study what is ERP and internet, what are the different limitations of ERP software, and that all we are going to study in this chapter. So let's start. What is ERP and internet? New trends in the ERP development and use involves in vendors making the software available to client companies on the internet. The communication between the server where an ERP system is installed and many client is done through the internet. Implementation of web-based ERP gives the end user cost-effective solution for the ERP management. Today there are many ERP systems that run in a cloud as SaaS, that is service as a software as a service. A cloud ERP makes it easier and more secure for a business to manage their information. तो ERP एंड इंटरनेट में क्या किया जाता है? तो ERP एंड इंटरनेट में क्या किया जाता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स यूज किए जाते हैं, जिसमें क्या किया जाता है कि जो भी डिफरेंट टाइप्स के वेंडर्स हैं उनको सॉफ्टवेयर अवेलेबल किया जाता है. उनको वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल करके क्या किया जाता है कि जो भी क्लाइंट की कंपनीज रहती इंटरनेट पे उनके साथ वो शेयर किया जाता है. दैट इज ये सॉफ्टवेयर दैट इज बाय यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर दैट इज कम्युनिकेशन बिटवीन द सर्वर एंड द ERP सिस्टम. तो ये कम्युनिकेशन बिटवीन द सर्वर और ERP सिस्टम के बीच में ये इंस्टॉल किया जाता है, जिसमें मैंने एंड यूजर या फिर मैंने क्लाइंट्स क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट. तो ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस वेब बेस्ड ERP का जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसमें क्या किया जाता है कि एंड यूजर्स को कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन दिया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर एंटरप्राइज. तो उसके लिए क्या किया जाता है, सॉफ्ट कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन दिया जाता है. तो इसमें ये ERP यूज़ किया जाता है ये मैनेजमेंट पर्पस के लिए. तो मोस्ट ऑफ द ERP सिस्टम क्या किया जाता है नावडेज, दे रन ऑन अ क्लाउड एज SaaS. SaaS पास ऐसे डिफरेंट क्लाउड्स के सिस्टम्स है, उसमें से ये ERP के सिस्टम इस पर वर्कआउट की जाती है, SaaS पे यूज़ की वर्कआउट की जाती है. दैट इज ये दिस वर्क्स एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इन द सिस्टम. मोस्ट ऑफ क्लाउड में क्या किया जाता है कि ये ERP यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है कि जो इंफॉर्मेशन रहती है फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस वो इंफॉर्मेशन इसमें सिक्योरली रखी जाती है. दैट इज इट इज केप्ट एज सिक्योर. और इसमें क्या रहता है कि जो भी चेंजेस करना है वो ईजिली रहता है, और इसमें इंफॉर्मेशन मैनेज करना भी क्या रहता है, ईजी रहता है एंड सिक्योर रहता है. तो ये मोस्टली क्लाउड ERP प्रेफर की जाती है. तो ये सिस्टम में क्या किया जाता है कि मेंटेनेंस किया जाता है बाय यूजिंग सम सर्वर्स एंड डेटाबेसेस. बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस में क्या किया जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन रहती है दैट इंफॉर्मेशन इज केप्ट सिक्योर. और वो इंफॉर्मेशन सिक्योर रख के उसमें क्या किया जाता है कि इट मेक्स इजियर फॉर अस टू रन द लार्ज स्केल बिजनेस. जैसे हमारा बिजनेस ग्रो होता है तो वो बिजनेस को सिक्योर रखने के लिए हेल्प किया जाता है. इसमें क्या किया जाता है कि कंपनी को अगर चाहिए या ना चाहिए तो भी उनका डेटा क्या होता है, क्लाउड के ऊपर स्टोर किया जाता है. ऑन प्रीमाइस ERP क्या रहता है कि ऑन प्रीमाइस ERP में क्या किया जाता है कि कंपनी का जो भी सेंटर का डेटा रहता है, दैट इज सेंटर मोस्ट डेटा ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी, वो ऑन प्रीमाइस ERP में स्टोर किया जाता है. वेर एज हाइब्रिड ERP एक अल्टरनेटिव कंपनी को प्रोवाइड किया जाता है ERP, जिसमें क्या किया जाता है कि सम ऑफ द सिस्टम उनकी क्या की जाती है, सम सिस्टम क्लाउड पर रन की जाती है और बाकी की आधी सिस्टम जो रहती है वो ऑन प्रीमाइस में वर्कआउट की जाती है. तो ये अल्टरनेट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है बिजनेस में. तो दिस इज व्हाट अबाउट द ERP एंड इंटरनेट. सो नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ERP. तो ERP के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वी विल सी सम ऑफ द बेनिफिट्स. फर्स्ट बेनिफिट है
इम्प्रूव्ड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो फर्स्ट बेनिफिट क्या है, इम्प्रूव्ड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इसमें क्या किया जाता है कि जो एंटरप्राइज रहता है वो प्लान करते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्लान दे मैनेज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बाय यूजिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ERP सॉफ्टवेयर। तो डिफरेंट टाइप्स के ERP के सॉफ्टवेयर यूज करके वो क्या करते हैं कि जो भी डिफरेंस रिसोर्सेस हम पर्टिकुलर एंटरप्राइज के लिए लगने वाले हैं वो रिसोर्सेस वो क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। वो इंस्टॉल कर क्यों करना चाहिए उसमें कि सो दैट अगर वो रिसोर्सेस रहेंगे तो देर विल बी नो वेस्टेज ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसोर्स, और वो रिसोर्स वो क्या कर सकते हैं, बेटरमेंट ऑफ द एंटरप्राइज, या फिर उनकी वो रिसोर्स यूज करके उनका जो यूटिलाइजेशन है दैट यूटिलाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसोर्स भी वो क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ERP में सबसे मेन क्या किया जाता है कि जो भी रिसोर्स अवेलेबल है दैट रिसोर्स इज यूटिलाइज इफिशियंटली एंड इफेक्टिवली। सेकेंड है बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अभी बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन मतलब क्या, इसमें क्या किया जाता है कि मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट है फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट रहेगी या फिर पर्टिकुलर सर्विस की रहेगी वो वहाँ पे सॉल्व आउट की जाती है। तो ये ERP सिस्टम में क्या किया जाता है कि कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन दिया जाता है, और कस्टमर को ऐसी सर्विस प्रोवाइड की जाती है कि उनका कम पैसे दिया जाता है या फिर उनका कम टाइम स्पेंड किया जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, सो दैट पर्टिकुलर कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा। और ये ERP में किया जाता है, दैट इज़ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या किया जाता है कि एंटरप्राइज में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाती है। उसके लिए क्या किया जाता है कि एंटरप्राइज में फ्यूचर के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट करना नेसेसरी, तो वो मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट प्लान आउट्स करना पड़ता है। तो प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ये दोनों इसमें आता है, सो दैट पर्टिकुलर एंटरप्राइज क्या कर सकता है, अकॉर्डिंग टू दैट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट हाई क्वालिटी अपडेटेड एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एंड यूजर्स को दे सकते हैं। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज में क्या रहता है कि जो भी रिलीवेंट इंफॉर्मेशन रहेगी, जो डिसीजन दिया जाता है उसमें बेटर डिसीजन देके पर्टिकुलर सिस्टम स्मूथली कैसे रन की जाएगी और एंटरप्राइज को एक स्टेप आगे, मतलब एंटरप्राइज डिफरेंट अदर एंटरप्राइज के साथ कम्पीट कैसे करेगी और पर्टिकुलर बिजनेस या फिर पर्टिकुलर एंटरप्राइज का वन स्टेप आगे मूव कैसे करना है, ये इसमें दिया जाता है, दैट इज डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी में। नेक्स्ट है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी में क्या किया जाता है कि ये ERP सिस्टम क्या करता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसे फ्लेक्सिबल कैसे रखे कि सो दैट वो क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको वो इजीली अडेप्ट हो सकते हैं, मतलब इजीली वो चेंजेस को वो एडजस्ट कर सकते हैं, उसको वो चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उनका जो भी बिजनेस है उसमें वो इम्प्लीमेंट करके कस्टमर को डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है ERP का, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स है उनका प्रमोशन करने के लिए वो जो भी इंफॉर्मेशन है फॉर अ पर्टिकुलर एंटरप्राइज वो पूरी इंटीग्रेट की जाती है, इंटीग्रेट की जाती है और वो सेंट्रलाइज डेटाबेस में वो इंफॉर्मेशन क्या की जाती है, स्टोर की जाती है, सो दैट वो क्या किया जाता है कि बाकी की जो भी इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस चल रही है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ऑर्गेनाइजेशन की वो भी वो क्या कर सकता है, इजीली अचीव कर सकता है, इजीली वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एक्सेस करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके सेंट्रलाइज डेटाबेस में स्टोर कर सकता है। सो इंक्रीज इंटीग्रिटी, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ ERP। सो सम ऑफ द बेनिफिट्स विच वी हैव सीन इज इम्प्रूव्ड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, सेकेंड वॉज बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, थर्ड इज प्रोवाइड्स एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, फोर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड सिक्स इज द इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी। सो दिस वॉज सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ ERP। नाउ इफ देर आर बेनिफिट्स देर आर सम ऑफ द लिमिटेशन ऑल्सो फॉर अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ERP।
तो फर्स्ट इज द हाई कॉस्ट, फर्स्ट लिमिटेशन इज हाई कॉस्ट। ईआरपी सॉफ्टवेयर जो भी है तो उसका कॉस्ट क्या रहता है, कॉस्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, तो वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये जो हाई पैकेज रहता, हाई प्राइस रहता है फॉर अ पर्टिकुलर पैकेज, तो उसमें क्या रहता है कि उनकी लाइसेंस फीस और जो बाकी के चार्जेस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स रहता है जो ईआरपी इंस्टॉलेशन के इसमें ऑकर होता है। तो दिस आर द फर्स्ट, दैट इज हाई कॉस्ट। सेकंड इज रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल ट्रेंड स्टाफ। तो ये ईआरपी सिस्टम रन करने के लिए आपके पास जो एम्प्लॉयज रहेंगे, तो वो एम्प्लॉयज आपको कैसे चाहिए, एक्सपीरियंस एम्प्लॉय चाहिए जो भी आप अपॉइंट कर रहे हो आपके एंटरप्राइज में। अगर आपने प्रॉपर ईआरपी पैकेज चूज़ किया रहेगा तो क्या होगा कि अगर आपके पास स्किल्ड पर्सन नहीं रहेगा या फिर ट्रेंड पर्सन नहीं रहेगा हम आपके सिस्टम वर्कआउट करने के लिए, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर सक्सेस नहीं मिलेगा। तो आपको अगर गारंटेड सक्सेस चाहिए होगा आपके ईआरपी पैकेज जो भी आपने सिलेक्ट किया है उस पर, तो आपको ट्रेंड और एक्सपीरियंस पर्सन वहाँ पे अपॉइंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस इश्यू। अभी इसमें क्या रहता है कि उसका ऑपरेशनल और मेंटेनेंस इश्यूज में ईआरपी के पास मेजर चांसेस रहते हैं कि जो भी इनका करंट प्रोसेस चल रहा है एंटरप्राइज में वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। कि अगर उन्होंने कुछ भी चेंजेस किए बाय एम्प्लॉयज, पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ के हाथ से उन्होंने कुछ भी चेंजेस किए या फिर एंटरप्राइज को मैनेजमेंट करना है, तो ये रेजिस्ट किया जाता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस ह्यूमन नेचर उसमें नहीं कर सकते। तो ये एक इशू उसमें है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी इशू। तो ये क्या है कि ईआरपी की जो सिस्टम है इसमें सम ऑफ द सिक्योरिटी मेजर्स फॉलो करने पड़ते हैं एट एवरी स्टेज। फॉलोइंग दैट स्टेप्स और दैट मेजर्स वो क्या कर सकते हैं कि उनके जो भी रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे ऑन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, उनकी जो हायरार्की है उनके ऑर्गेनाइजेशन की, दैट इज़ हायरार्की मतलब स्टेप्स, उनकी बिजनेस वो कैसे फॉलो आउट करने वाले, जैसे ट्री डायग्राम रहता है, दिस इज़ वन टाइप ऑफ हायरार्की। तो उनकी हायरार्की के ऊपर वो क्या किया जाता है, डिपेंड किया जाता है। और इसमें उन्होंने ये सिस्टम में एक भी ये लेना है कि जो अनऑथराइज पर्सन रहता है ईच लेवल में ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जो अनऑथराइज एक्सेस वाले पर्सन रहते हैं उनसे ये सिस्टम उन्हें क्या करनी चाहिए, सेव रखनी चाहिए, सो दैट उनका डेटा लॉस नहीं हो, क्योंकि सिक्योरिटी कंट्रोल इज वन मोर इशू। सो दिस वॉज सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ ईआरपी। फर्स्ट वॉज हाई कॉस्ट, सेकेंड इज रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल ट्रेंड स्टाफ, थर्ड इज ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस इशू, फोर्थ इज सिक्योरिटी कंट्रोल। सो दिस वॉज सम ऑफ द लिमिटेशन। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज फ्यूचर ऑफ ईआरपी। तो अभी ईआरपी का फ्यूचर वो किस में देखते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखते हैं। ईआरपी का फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्यों है, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज दी जाती है जो बिजनेस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस पे इम्पैक्ट कर सकती है। दैट इज इसमें मशीन लर्निंग के डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं जो बेटरमेंट ऑफ बिजनेस को पर्टिकुलर लेवल अगर उनको अचीव करनी है बिजनेसमैन को, तो वो इजीली अचीव कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि बाय यूजिंग द एम्बेडेड बिजनेस इंटेलिजेंस या फिर एनालिटिक्स या फिर डेटा मैनेजमेंट फीचर्स, ये सब यूज़ करके उसमें क्या किया जाता है कि जो भी ईआरपी है उनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ईआरपी है, तो वो उनकी नेक्स्ट ईआरपी में वो कैसे दिखेगा, ये सब उसमें एनालाइज किया जाता है। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर यूनिट 6। इन शॉर्ट वी विल सी द समरी ऑफ दिस चैप्टर। तो इसमें हमने क्या सीखा है, फर्स्ट कि व्हाट इज एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मतलब क्या रहता है कि ग्रुप ऑफ पीपल रहेंगे या फिर अदर रिसोर्सेस जो एक साथ वर्क कर रहे हैं, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल रहेगा वो कॉमन गोल रहेगा वो अचीव करने के लिए एक साथ वर्क कर रहे हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, एंटरप्राइज कहा जाता है। तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं। तो वो रिसोर्सेज कौन रह सकता है, मटेरियल रह सकता है, मनी है, मैन है और मशीन है। ये 4 याद रखना है, मनी, मटेरियल, मैन एंड मशीन। तो फिर डिफरेंट रिसोर्सेस में ये देखा हमने। फिर प्लानिंग मतलब क्या रहता है कि प्लानिंग मतलब पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर परफॉर्मेंस कैसे रहेगा, दैट विल बी सीन अंडर द प्लानिंग।
तो ये ईआरपी में क्या किया जाता है कि ये एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें डिफरेंट फंक्शनल मॉड्यूल्स यूज किए जाते हैं, सो दैट जो भी ऑथराइज एम्प्लॉयज रहेंगे वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमने डिफरेंट फंक्शनल मॉड्यूल्स कौन से देखे थे, तो व्हाट इज फिनेंशियल मॉड्यूल, मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल देखा है, एचआर मॉड्यूल देखा है, इन्वेंटरी कंट्रोल मॉड्यूल देखा है, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल देखा है, क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल देखा है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल मॉड्यूल्स थे ईआरपी के। फिर इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी स्टडी किए, दैट इज व्हाट इज सीआरएम, व्हाट इज पीएलएम, व्हाट इज एमआईएस, व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने टेक्नोलॉजीज देखी। उसके बाद हमने देखा है कि डिफरेंट ईआरपी के पैकेजेस कौन से हैं, जैसे ओरेकल है, ओडू है, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स है, टैलीज है। तो ये हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेंडर्स देखे ईआरपी के। लास्टली हमने देखा है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स विच आर इम्प्लीमेंटेड इन ईआरपी फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ईआरपी। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आर थ्योरी सिलेबस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज आईटी। And from the next lecture, we will start with the guidelines of practical, and we will start the practicals for the HSC board exams. For HSC board exam, we have some of the practicals that will be started with the guidelines from the next lecture. Okay, thank you.